आप जितना गुरु तपस्वी हो, गुरु साधक हो, गुरु सिद्धियों का मालिक हो और साधनाएं संपन्न करने वाला हो, तो उसके पीछे तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे, मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ यहाँ तुम्हारे जैसा एक साल गुरु के शिविर होते हुए इसी तरह पीछे बैठा कर गुरु जी की साधनाएं करता था, गुरु जी की जीवी साधनाएं संपन्न करता था। आज प्रयोग तो मुझ पर भी हुए, हो रहे हैं, होंगे भी, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि उन प्रयोगों को मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जब तक मैं ये कह दूंगा कि मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पूर्व मंत्र ईश्वर होते है। ईश्वर तुम अगर जानते हो कि गुरु की शक्ति है तो मेरे को कोई प्रयोग काम नहीं करेगा। मैं भी आपको यही कह रहा हूँ, तुम गुरु की शक्ति को मानो, गुरु की शक्ति के साथ आगे चलो, तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं हो सकेगा और न तुम्हारे पास तुम्हारी दरिद्रता सामने आएगी। कष्ट जरूर आएंगे लेकिन कष्टों में झलने की शक्ति भी आएगी, और तुम्हारे में किसी प्रकार की मेहनत तुम्हारे करते हो फल नहीं मिलता तो भी गुरु तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है। और इस बात को जब तक जानेंगे नहीं तब तक इस बात को हम कुछ भी करने अपने जीवन में कर नहीं सकेंगे। तो मैं ये जैसे अभी कनकदास स्तोत्र की बात कर रहा था वैसे ही विद्यारण्य स्वामी यहाँ से कहते हैं कि उनका जन्म वरंगल नाम के स्थान में हुआ और वो अपने गुरु से दीक्षा के वक्त थे, तब उन्होंने देखा कि यहाँ पूरा मुगलों का राज्य था और मुगल पूर्ण तरीके से इतने विकसित हो गए थे कि सभी को छेड़ते थे, औरतों को छेड़ते थे, धर्म का विनाश हो रहा था। तब उनको लगा कि मैं एक साम्राज्य की स्थापना कर ली, इनकी लोक कल्याण नहीं कर सकूं तो फिर मेरा जीवन क्या। तब भी तो शंकराचार्य थे, बहुत सारे आज भी शंकराचार्य, मैं किसी को दोष नहीं देता, जिनका उनका अपना चिंतन है वो लोग कल्याण उनके हिसाब से कर रहे हैं, जो लोग सोचते कि अपने आप सोचने का अपना अपना अभियान। लेकिन विज्ञान के सामने जब निकले थे तो आए, उन्होंने देखा कि कैसे प्रताड़ित हो रही है हिंदू समस्या, हिंदू स्त्रियां, हिंदू के मंदिर, हिंदुओं को, तो बहुत सोचते एक पिश्तिना गए, यहाँ पत्थरों की पूरे पत्थर नदी, वहां कुछ एक जमीन से कुछ उगता भी नहीं, ऐसी जगह जहाँ तुंगभद्रा नदी का आवास है, जहाँ पंपा सरोवर है, ऐसी जगह पर चिंतित होकर बैठ गए और ये सोचने लगे कि आगे का जीवन मेरे हिंदू संस्कृति का क्या होगा, अगर योग्य राजा नहीं हुआ, योग्य राज्य की स्थापना नहीं हुई तो अपने सब बेकार है, और योग्य राज्य की स्थापना के लिए अगर हमारे पास धन धान्य ये सब नहीं होगा तो हमारे पास वीर सैनिक नहीं होंगे, वीर सैनिक नहीं होंगे तो राजा नहीं होगा, और राजा नहीं होगा तो रक्षा नहीं होगा, इसके लिए क्या करना है। धन धान्य से संपन्न एक विद्या तत्व को हमने मुझे जागृत करना है। जब उन्होंने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा कोला जोर से आकर वहां से खरगोश जाते थे उसको खाने के लिए भागते हुए आ रहा था। जब कोला भागते हुए आया, अब कोले को हिंदी में क्या कहते हैं, लोमड़ी, हिंदी में हाँ सियार, अरे सियार कहते हैं, तो वो सियार खरगोश को खाने के लिए भाग रहा था। खरगोश पेट था, विद्यारण्य स्वामी बैठे हुए थे पत्थर पर देख रहे थे, तो जोर से सियार भागते हुए खरगोश को पकड़ने गया, तो वहां से क्या हुए, उसी खरगोश के एक झुंड का झुंड 10-12 खरगोश भागते हुए आए और सियार को ऐसा भगाया कि सियार भागने लगा। विद्यारण्य स्वामी के मुख में एकदम चमक आ गई, उसने देखा कि ऐसी स्थली है जहाँ खरगोश सियार को भगाते हैं, तो यहाँ अगर समूह निर्माण हुआ तो यहाँ राज्य की स्थापना हो गई, तो यहाँ कमजोर आदमी भी एक श्रेष्ठ शक्ति बन सकता है, मैं यहाँ राज्य की स्थापना करना चाहता हूँ, ये उनके मन में उदय हुआ वो देखने के बाद, क्योंकि होशियार होशियार में होशियार ही होता है। उन्होंने जब ये देखा और निर्माण किया, अपने गुरु को स्मरण किया, कहा कि मैं ये इस हिंदू संस्कृति को ऐसे देखना नहीं चाहता, मैं हिंदू संस्कृति को एक सुदृढ़ बनाना चाहता हूँ, यहाँ गरीबी नहीं देखना चाहता, एक राज्य की स्थापना करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना है। उनके गुरु ने एक साधना करते हुए कहा, तो ये साधना कर, वहां वो धनधान्य से परिपूरित होगा, पत्थर हर पत्थर वहां से सोना उगलने लगेगा। बोला ये बातें मुझे नहीं चाहिए, सोना पत्थर उगलने लगेगा, मैं कब देखूं, हजार वर्ष तपस्या करूं, वो होने वाली बात नहीं, मुझे आज और अभी चाहिए, बोलो क्या करना है। उन्होंने उनके गुरु को प्रश्न किया, मैं यहाँ राज्य की स्थापना करना चाहता हूँ, ये सारी पथरीली जमीन है, यहाँ पत्थर के सिवा कुछ नहीं मिलता, यहाँ केवल तुंगभद्रा नदी बह रही है, पंपा सरोवर है, इसके सिवा यहाँ कुछ नहीं है, एक पुराने जमाने की किष्किंधा है, यहाँ हनुमान जी वाली सुग्रीव वाली रहते थे, तो आप अब बोलो यहाँ क्या करना है।
यहाँ वानर से लड़वा या किष्किंधा में सुग्रीव वाली जैसे वानर भी बलवान हुए, यहाँ मैंने आज देखा है कि खरगोशों ने सियार को भगा दिया है, ऐसी बलवान भूमि में इसको मैं यहाँ राज्य बताना चाहता हूँ, आप बोलो इसको क्या करना है। तब उनके गुरु ने उनको कहा कि मैं तुझे एक साधना बताता हूँ, तू अगर इस साधना को 24 घंटे में करता है तो तू देखना पत्थर उगलेंगे नहीं लगेंगे लेकिन आकाश स्वर्ण वर्षा जरूर होगी। और उन्होंने वो साधना संपन्न की। आज भी आप अगर विजयनगर साम्राज्य के श्री कृष्ण देवराय का नाम सुनते हैं तो उस जगह उसी विद्यानंद स्वामी ने विरूपाक्ष नाम के देवता से उस साधना को विरूपाक्ष देवता की जो शक्ति है उसे स्वर्ण कात्यायनी कहा गया है। और वो स्वर्ण कात्यायनी का उन्होंने विरूपाक्ष स्वामी को स्थापन करके स्वर्ण कात्यायनी की साधना संपन्न की और कहा कि हे माँ मैं यहाँ सोने की वर्षा चाहता हूँ। और देखते हैं कि 45 मिनट तक स्वर्ण वर्षा होती रही। ये आप विद्यानंद स्वामी का जीवन देख लो उसमें उल्लेख हुआ है कि उन्होंने 45 मिनट तक वहां, आज भी कहते हैं लोग कि उन पत्थरों में स्वर्ण के टुकड़े मिलते हैं, उन्हें स्वर्ण वर्षा करवाई, स्वर्ण कात्यायनी साधना की जो विरूपाक्ष स्वामी की शक्ति के रूप में उन्होंने किया था। जहां जामवंत संहिता मणि के साथ था वहां भी जामवंत की गुफा है, आज उसे होस्टकोट के नाम से जाना जाता है, वहां भी है। और इस स्वर्णावती की साधना करने वाले दूसरे ऋषि के अंकोल ऋषि, और ये अमरकंटक से घोरापुर नाम के जंगल में एक वृक्ष के नीचे रहते हैं और आज भी वो वृक्ष किला किला नजर आता है। कहते हैं कि उसके नीचे साधना की जाए तो स्वर्ण कात्यायनी आज भी प्रसन्न हो सकती है, कहते हैं। लेकिन बहुत लोगों को ये मालूम नहीं कि वो पत्थर पत्थर की जमीन में पवित्र वृक्ष का अंकोल ऋषि थे, अंकोल, और वो ऋषि ने वहां साधना करके स्वर्ण कात्यायनी को सिद्ध किया था और उस वृक्ष को उन्होंने सोने में बदल दिया था। वो अमरकंटक से घोरापुर नाम का जंगल में एक वृक्ष है और उस वृक्ष के पास है। मैं कभी कहा था कि वहां जाकर साधना करूं लेकिन हो नहीं सका, अगर समय मिला कभी आगे हुआ तो जरूर जाऊंगा। आपको इस बात की इसलिए कहता हूं कि आप भी अपने जीवन में कल कौन देखा, मुझे अगर मैं कहूं कि आज साधना दे रहा हूं आपको, आप देख लो आप 1-2 महीने में 6 महीने में 7 महीने में वर्ष में आप कुछ ना कुछ पैसा कमाओगे, 10,000-20,000-40,000, तो आप फिर निराश जाओगे। आप तो चाहते हैं 8 करोड़ रुपए प्राप्त हो, तो हम गुरु जी आपके साथ घुमाने आने के लिए तैयार, 8 करोड़ रुपए दे दो कल हम आपके साथ। अब मैं करोड़ रुपए देने के लिए मैं निकाल के दूं तो आप बार बार यही कहेंगे कि गुरु जी 500 करोड़ रुपए दे थे, आप 1-50 लाख दे दो, आगे जाएंगे 25 लाख। मैं कहता हूँ तुम करोड़ रुपए का कमाने की बात सोचो, तुम कितने दिन गुरु को पूछेंगे, तुम उस साधना को संपन्न करो जिसे तुम करोड़ रुपए कमा सकते हो और तुम्हारे जीवन में तुम आगे बढ़ सकते हो। तुम ये बात कर सकते हो कि मेरा है, मैंने किसी को मांगा नहीं, मेरी साधना से मैंने प्राप्त किया है। इस जीवन को, इस साधना को जो संपन्न करता है, कहते हैं कि वो अपने जीवन में स्वर्ण ही नहीं, उस जमाने में स्वर्ण की श्रेष्ठता थी, धनधानी की श्रेष्ठता थी और बलवान आरोग्यवान श्रेष्ठ की स्थिति थी। आज भी कहते हैं कि जो मारुति का नाम, हनुमान जी का नाम लेता है या कृष्ण का नाम लेता है, आज आप अगर जाते हैं तो मथुरा के पास वृंदावन के पास कात्यायनी देवी का मंदिर है जो राधा माता जिसकी आराधना करती थी, तो उनकी ही देवी में स्वर्ण कात्यायनी नाम की देवता है। और जहाँ आपने देखा है जहाँ कात्यायनी देवता राधा के साथ रहती थी उसमें गोपिकाएं, आज भी बहुत सारे सर्वसंत जैसे गौरंग महाप्रभु जब पहली बार वहां गए तो उन्होंने देखा और वहां जाते ही वो उसमें लौटने लगे, उस मिट्टी में जो पीली मिट्टी रहती है उसमें लौटने लगे, तो सभी ने कहा प्रभु ये क्या आप दीवाने हो गए या मिट्टी में, बोले अरे यहाँ राधा और कृष्ण लास लीला के लिए उनकी चरण कमले उनकी भूली है, इसमें अगर लौटूंगा तो मैं स्वर्णमय बन जाऊंगा। और वो आज कितने गौरांग प्रभु का नाम, चैतन्य महाप्रभु का नाम कितनी ही श्रेष्ठता के साथ लिया जाता है आप भी जानते हैं, वहाँ कात्यायनी देवी वहां भी उनका मंदिर है। तो उस स्वर्ण कात्यायनी को जो साधना संपन्न करते हैं उसके जीवन में कहते हैं कि वो धनधान्य से परिपूर्ण दशा, उसे किसी प्रकार की कमी नहीं होती। मेरी इच्छा है लेकिन अब सच बताऊं तो दत्तू भैया का कहना है था भैया वो कात्यायनी यंत्र तैयार करने के लिए सारदत्त जी बहुत बड़ा है उसको वो लेके आओ ये लेके आओ, ये तो कात्यायनी यंत्र होता नहीं। अनु बोला ये लोग उतनी दूर से आ रहे हैं और ये अगर इस गुरु पूर्णिमा में आ रहे 1 साल से नहीं मिले मेरे शिष्य, अपनी अपनी परेशानियां लेकर है, अब तू उतनी यंत्र नहीं बनता हो तो कैसा। अब उसको जब यंत्र दिया हूं केवल गुरु पूर्णिमा के 11 दिन बाकी थे और उस यंत्र तैयार करने के लिए 5 दिन की साधना थी, साधना के बाद उस यंत्र तैयार करना और उसको 7 नदियों के पानी से अभिषेक करवाना तब वो यंत्र सिद्ध होता है। अब 7 नदियों के पानी से ये कोविड में जाना कौन लेके आना कौन, हर एक जगह एक एक आदमी को भेजा, 7 नदियों का पानी लाया गया और उस यंत्रों को सिद्ध करते हुए आपके पास आज जिस प्रकार से उस यंत्र को लाया हूं तो उस यंत्र को सिद्ध करने की क्रिया की है। केवल कहते हैं कि उस यंत्र को अपने अपने घर में रखा जाए तो हमारे घर में स्वर्ण और धनधान्य किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, जो साधना करता है एक ही दिन की साधना।
हम 10 दिन के मंत्र पढ़ाए एटीएम निशाना, मैंने आपको कहा है मैं आपको यूं ही नहीं भेजूंगा, साधना तो मेरे सामने ही करवाऊंगा, आप यहाँ साधना करके जाए और जब अगली बार मुझे मिले तो कहें कि आप बोलिए हम आज स्मरण से सिद्ध है, हम धनदान से सिद्ध है और आप हमारे साथ, हम आपके साथ साधना के लिए आने के लिए तैयार है। ये जिस दिन कहोगे मैं, मेरा सीना छाती खुल जाएगी कि हाँ मैंने योग्य साधकों को मेरे साथ मनाया और ऐसा नहीं करूंगा। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो धिकार है इन शिविरों का या ये सब बात करें, जो सारी चीजें करवाऊ कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। आपके जीवन में आपके मुख पर मैं मुस्कान नहीं दे सकूं, एक आनंद नहीं दे सकूं तो कोई मतलब नहीं है। आज भी आप यहाँ जितने भी लोग हैं, कभी कभी मुझे 12 बजे 1 बजे फोन आता है, तुझे मुझे बहुत बुखार आ रहा है, कहीं कोविड तो नहीं है। मैं बोला तू सो जा, तू मुझे फोन किया है ना, आगे का काम मैं देखता हूँ। किसी कोई सरगर्दी के लिए फोन करता है तो कोई किसी के लिए फोन करता है, लेकिन जरूर रात के 12 बजे भी फोन उठाता हूँ। पत्नी बाजू में होता है, किसका फोन है? मैं बोला किसी का फोन नहीं, तू सो जा। तो बात यह है कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम्हारी अच्छी बुराई के लिए देखता हूँ। मैंने आपको इतनी बात जरूर आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरे कोविड के जमाने में शायद ही मेरे साधकों में कोई एक मनुष्य ऐसा वैसा हुआ होगा, लेकिन कोई कोविड से गुजरे सभी हैं, लेकिन बच के यहाँ आए हैं, तो ये ऐसा कोई कार्य नहीं है, कोई किसी के ऑफिस में मृत्यु कर पाता है। कोविड आया होगा ये बात मैं नहीं कहता कि कोविड नहीं आया, लेकिन कोविड आने के बाद भी बच के आपके सामने खड़े हैं, तो ये गुरु कृपा है। और गुरु जी ने जिसका आज उदय महाराज भी मेरे पीछे खड़े हैं, शेषो महाराज भी यहाँ है। अगर आप जानते हैं तो जिस पूरे कोविड के